हमारे इलाके की एक बड़ी समस्या है। ढाका का गुलशन टू है जो यहाँ का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। हम इसमें खड़े हैं गुलशन वन पर, जो कि ढाका का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। बेसिकली कैमरा काम नहीं कर रहा है तो आपको मैं इसी से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। ढाका के इस इलाके में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं और इस इलाके को और इलाका दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे आप देख सकते हैं इनके लिखा हुआ है गुलशन सोसाइटी, बता रहे हमारे यहाँ मार्किंग दे रखी है। इधर गाड़ियाँ थोड़ी ठीक ठाक दिख रही हैं, तो एक क्लास जो है दिख रहा है। जाम जो है ढाका के हर इलाके की एक बड़ी समस्या है। इसमें हम लोग बांग्लादेश के सबसे पॉश इलाके में और वहाँ भी आप जाम देखते हैं। गुलशन टू, ओके, ये ढाका का गुलशन टू है जो यहाँ का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं बांग्लादेश के नज़रिए से इसको देखूं तो अच्छा, अच्छी कोशिश है। और अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये है यहाँ का गुलशन चौराहा। अभी भाई दौड़ के ही पार करते हैं लोग, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं वेट करूं या मैं भी वो देखो। चलो निकल लो भाई। क्या झूमर लगे हुए हैं, दिस वन इज रियली गुड। जो आपको मैंने चौराहा दिखाया वही गुलशन चौराहा है और वही इनका ढाका का, बांग्लादेश का भी सबसे अच्छे इलाकों में से एक है। मेरे पीछे इस तरफ जो है गुलशन चौराहा है और सामने यहाँ देख लीजिए कि क्या माहौल है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है, पार्क है गुलशन एरिया में। फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर है इस इलाके में। और ये झील आपको दिख रही होगी, फिलहाल बैठने की अच्छी जगह है। चलिए चलते हैं। मैंने कुछ मार्क कर रखा है लेकिन प्योर बांग्ला में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रखा है। गुलशन टू में इस समय हम जहाँ हैं ये एम्बेसी एरिया है, ढाका बांग्लादेश का एम्बेसी एरिया है। अभी मैं गुलशन टू एरिया में ही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं उस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ जिसे बांग्लादेश का पॉश इलाका कहा जाता है। तो ये मैं करीब 2 किलोमीटर अंदर आया। ढाका का बीआईपी इलाका बड़ी धारा डीएचओ है। डीएचओ मीन्स ये ढाका क्रैंक हुआ करता था और 1971 से पहले यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी रहा था। आर्मी जब चली गई तो ये कॉलोनी बन गई और बीआईपी एरिया है। कॉलोनी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बसाई गई है और हम यहाँ पे हैं, यहीं पे हमारे होस्ट का घर है। पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। शायद इसी में जो एड्रेस है वो तो यही है होस्ट का।
सुबह सुबह देखिए किस तरीके से कुछ ट्रैफिक है, कुछ कहने को ट्रैफिक। यहाँ तो मुझे बैंक ही दिख रहे हैं। अब देखिए इधर प्राइम बैंक, उधर मेघना बैंक, सीएल बैंक, इधर भी कोई है, ज़्यादा ही बैंक है। यहाँ पे गुलशन वन ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस एरिया में गुलशन वन, गुलशन टू, बिनानी और ढाका डिगोएच, ये तीन सिस्टर डिस्ट्रिक्ट मानी जाती हैं, जो कि यहाँ बीआईपी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस समय हम लोग हैं गुलशन वन में, गुलशन टू से हम लोग आए हैं। तो जो कैटेगराइजेशन है वो इस स्तर का है कि गुलशन वन रिक्शा अलग है, गुलशन टू से जो बिनानी में जाएंगे रिक्शा वो अलग है, और बिनानी से जो ढाका डीओएच में जाएंगे रिक्शा वो अलग है। और सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जो है वो ढाका डीओएच में है, और जो किराया है वो फिक्स किराया है 40 से 60 टका। भाई ये गजब का सीन है, पीछे आप देख रहे हो।